कि भविष्य में भी मुझे अगर कहीं इस प्रकार से जाना हो, जैसे मैं कलकत्ता जा रहा हूं, इस बात को देश के सभी नागरिकों के सामने रखना चाहता हूं कि भविष्य में भी मुझे अगर कहीं इस प्रकार से जाना हो, जैसे मैं कलकत्ता जा रहा हूं, मैं चाहूंगा कि जहां जा रहा हूं उनके मन में कुछ सवाल हो, कुछ विचार हो, मुझे जरूर इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भेजें, मैं जरूर उसको गंभीरता से नोट लूंगा। आई विल नोट इट। और आपको आगे भी निमंत्रण है, कुछ लोगों को रहेगा कि यार हम तो रह गए, तो आपको निमंत्रण है, आगे भी आप अपने सुझाव मुझे दे सकते हैं। हमारे देश में हमारी सांस्कृतिक परंपरा में, हमारी सांस्कृतिक विरासत में मां का स्थान सबसे ऊपर होता है। मां शब्द सुनते ही एक श्रद्धा का भाव प्रकट होता है, और जहां भी पवित्रता है, जहां भी शुद्धता है, उन सब में हमें मां नजर आती है। ये हमारे संस्कार में है, ये हमारी परंपरा में है। अगर गंगा के प्रति हमारी श्रद्धा है तो गंगा को भी मां कहेंगे, भारत के प्रति भी श्रद्धा है तो भारत को मां कहेंगे। गाय के प्रति श्रद्धा, गाय को भी मां कहेंगे। और उस अर्थ में सदियों से हमारे देश में मां का स्थान, नारी का स्थान सर्वोपरि माना गया है, और उसमें कोई दुविधा कभी नहीं रही। लेकिन 1000 और 1200 साल की गुलामी के कालखंड में हमारे भीतर बहुत सी बुराइयां आई, बहुत सी कमियां आई, और कमियां उस रूप तक आई कि 18th सेंचुरी में बच्ची को दूध पीती करने का परंपरा खड़ी हो गई। बच्ची के जन्म के साथ दूध के पतीले में उसको डुबो दिया जाता था, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। और 18th सेंचुरी में वो सामाजिक कारण रहे होंगे, जो भी उन्होंने उस समय कारण दिए होंगे, लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं ये यहां तक हमारी विकृति पहुंची। देश आजाद होने के बाद लग रहा था कि हम आधुनिक भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। हम लोगों को लगता था कि विश्व के सामने मातृ गौरव की हमारी परंपरा को हम दुनिया के सामने एक मॉडल के रूप में पेश करेंगे। समाज जीवन में नारी का स्थान क्या हो सकता है, हम दुनिया के सामने दिखाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम आधुनिक होते गए, ज्यादा ज्यादा पढ़े लिखे होते गए, लगता है हमारी विकृतियां और बढ़ गई। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि हम लोग 18th सेंचुरी से भी कभी कभी पीछे गए हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं। कम से कम 18th सेंचुरी में बेटी को जन्म लेने का अवसर मिलता था, उसे सांस लेने के कुछ पल मिलते थे, उसकी जन्मदात्री मां को देखने का सौभाग्य मिलता था, पल दो पल क्यों न हो अपने रिश्तेदारों की ओर नजर करने का अवसर मिलता था, और बाद में उसको मौत के घाट उतार दिया जाता था। लेकिन आज 21वीं शताब्दी में मां के पेट में ही बेटी को मार दिया जाए, गए से